Welcome to Vina classes. As you can see on the board, we will continue the physics of class 10. Chapter is light, refraction and reflection. As we had studied in the last video, image formation by the plane mirrors. What are the characteristics of the image formed by the plane mirror? What is this? The image of an object is always virtual, which cannot be आउट ऑन द स्क्रीन. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. थर्ड वन इज द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दिस थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द इमेज फॉर्म by the plane mirror is laterally inverted. This is the fourth point, laterally inverted. So our next topic is what do we mean by laterally inverted? Yeah, lateral inversion hum log kisko bolte hain. Before that, pehle hum log par lete hain uses of plane mirrors. So plane mirror ka use kahan kahan hota hai? So hum log apne ghar mein bathroom mein use karte hain, hum log dressing table mein use karte hain and jewelry shops mein use hota hai. और एक और चीज है मेकिंग पेरियस्कोप. सो व्हाट इज पेरियस्कोप, इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पेरियस्कोप, क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि पेरियस्कोप बनाइए. सो व्हाट इज पेरियस्कोप, इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक नेक्स्ट पूरी पेरियस्कोप के ऊपर एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कैसे पेरियस्कोप बना सकते हैं. आपको प्रोजेक्ट दिया था स्कूल में, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल इन्वर्सन. लेटरल इन्वर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? आप यहाँ पिक्चर में देखिए, ये हिंदी का अक्षर है क. जब ये मिरर में आप देखिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा. सिमिलरली जब आप अपने आप को ये ऑब्जेक्ट है या आप अगर मिरर के सामने खड़े, दिस इज द मिरर, मिरर के सामने खड़े हो और मिरर में जो इमेज बनता है आपका, जो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड वो क्या हो जाता है यहाँ पे, राइट हैंड हो जाता है. क्या हो जाता है, ये आपका राइट हैंड दिखता है. तो ये जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो मिरर का जो फेनोमेना हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरली इन्वर्शन बोलते हैं, लेटरली इन्वर्शन. सो नेक्स्ट आप देखिए लेटरल इन्वर्शन का डिफिनेशन क्या होता है. सो व्हाट इज लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन का डिफिनेशन क्या है, देखिए द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिकम्स द लेफ्ट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज. इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्शन. दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन. क्या हो गया आपका, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड वाला हो गया, राइट हैंड दिखेगा आपको, राइट हैंड जो है वो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा जब अपने आपको आप मिरर में देखिएगा. सो ये जो फेनोमेना है, ये जो मिरर का एक जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन. नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन इन द मिरर फॉर्म. एम्बुलेंस को हम लोग, एम्बुलेंस गाड़ी के सामने क्या होता है, ये देखिए इस तरह से एम्बुलेंस लिखा रहता है, मिरर के फॉर्म में आपको लिखा रहता है. मिरर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम लोग जब एम्बुलेंस पीछे से आ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं ना, रियर मिरर में देखते हैं हम लोग गाड़ी, कोई भी गाड़ी अगर आगे चल रही है तो आगे वाला जो ड्राइवर होता है अपने मिरर में देखता है कि पीछे से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है. अगर हम इसको सीधा अगर लिखे, कौन सा मिरर लगा हुआ है, मिरर क्या करेगा, लेटरली इन्वर्स कर देगा. अगर लेटरली इन्वर्स कर देगा तो अगर मैं ऐसे एम्बुलेंस को लिखूँ ये, सो पीछे आगे वाला जो ड्राइवर हो मिरर में देखेगा तो क्या होगा, वो उसको लेटरली इन्वर्टेड इस तरह से एम्बुलेंस दिखेगा. सो उसको समझ में नहीं आया कि पीछे एम्बुलेंस गाड़ी है, एम्बुलेंस है या कोई और गाड़ी है. सो क्या होता है एम्बुलेंस पे, क्या होता है स्पेशली इस तरह से ऑलरेडी उसको इन्वर्ट करके लिखा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि कोई भी ड्राइवर आगे से अगर वो देखे उसको तो क्या हो, उसको वो सीधा लिटरली इन्वर्स होने के कारण क्या हो जाएगा, वो एम्बुलेंस क्लियर दिखेगा और क्या होगा, आगे वाला ड्राइवर जो, आगे वाला गाड़ी वाला जो है उसको क्या होगा, आराम से रास्ता दे देगा क्योंकि एम्बुलेंस को हमें आगे जाने देना चाहिए. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्शन ऑफ द प्लेन मिरर्स. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मिरर. सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्लेन मिरर होता है, दिस इज द प्लेन मिरर, हम लोग घर में यूज करते हैं जनरली और आगे अलग जगह पे बाथरूम में, ज्वेलरी शॉप में वगैरह वगैरह जगह पे यूज़ होता है, पेरिस्कोप में यूज़ होता है. लेकिन एक दूसरे टाइप का मिरर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल मिरर. अब वही स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द स्पेरिकल मिरर, दिस इज द स्पेरिकल मिरर, दिस इज द स्पेरिकल मिरर. गाड़ी में जो लगा होता है जिससे हम लोग पीछे का गाड़ी को देखते हैं या तो पीछे रास्ते में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, उसको देखते हैं हम लोग, दिस इज द स्पेरिकल मिरर. सो व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होगा, प्लेन सरफेस मिलेगा आपको. प्लेन मिरर में क्या रहेगा, प्लेन सरफेस मिलेगा. बट स्पेरिकल मिरर में क्या होगा, आपको कर्व सरफेस मिलेगा. स्पेरिकल मिरर कैसा होता है, कर्व सरफेस होता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं
व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ये तो हमने जनरली देख लिया कि क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, बट स्फेरिकल मिरर हम लोग बनाते कैसे, स्फेरिकल कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर हमारा कैसा है, दिस इज द स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या देखा, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। क्या होता है, अगर हम किसी भी स्फेरिकल सरफेस से उसका एक पीस कट आउट करके निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, वो एक मिरर फॉर्म हो जाएगा, वो कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। देखिए यहाँ पे दिस इज द स्फीयर, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर में से हमने एक पार्ट इस साइड से काट लिया तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज एक्ट एज अ मिरर। एंड ऑब्वियसली अगर हम इसको इधर से काट लेते हैं तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, मिरर की तरह वर्क करेगा। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिरर, ये यहाँ पे दो टाइप के मिरर हो जाएंगे जनरली, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट इज कन्वेक्स मिरर और व्हाट इज कनकेव मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर और अनदर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। सो देखते हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज द कनकेव मिरर। व्हाट इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कम आउट बट दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर क्या हुआ, देखिए दिस इज द कनकेव मिरर। हमने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हमने एक स्फीयर फॉर्म कर लिया, स्फीयर में से हम एक पार्ट ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक टाइप का मिरर बनाता है, दैट इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में होता क्या है, देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी, आउटर साइड में क्या होंगे, हार्ड सरफेस, आउटर साइड में क्या होंगे, हार्ड सरफेस, और वी कैन से डैट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके इनर साइड में क्या होंगे, इसके इनर साइड में जो होंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर साइड में क्या होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान देना है कि कनकेव मिरर में इनर साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं और आउटर साइड में रफ सरफेस और हार्ड सरफेस होते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगला स्लाइड में पढ़ते हैं कि क्या क्या उस पॉइंट्स को क्या नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कन्वर्ट इन वार्ड एंड इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसका जो ये कन्वेक्स मिरर है इसको सिमिलरली हम लोग ऐसे बना देते हैं, दिस इज द स्फीयर, स्फीयर से हमने एक क्या ले लिया, कट करके एक पोर्शन उसका निकाल के ले लिया। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। कनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि इनवर्ड जो सरफेस था वो क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और आउटवर्ड सरफेस था क्या था, वो हार्ड सरफेस था। इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसका जो आउटवर्ड सरफेस होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड सरफेस जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनवर्ड सरफेस जो होगा वो क्या होगा, हार्ड सरफेस या रफ सरफेस। दिस दैट मीन्स इसके आउटवर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इनवर्ड सरफेस से नहीं होगा। बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके इनवर्ड, इनवर्ड सरफेस से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा और आउटवर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना है, पढ़ना है, सीखना है। फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, अगर आप स्फेरिकल सरफेस को ले लेते हैं, आपके दिस इज द स्फेरिकल सरफेस, या आप एक स्फीयर ले लीजिए, और स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट मे बी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्या मैंने बोला, जिस स्फीयर से हमने उस मिरर को निकाला था, कटआउट किया था, बनाया था, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पोल। व्हाट इज पोल, पोल क्या होता है, देखिए दिस इज द पॉइंट थ्रू विच रेडियस, दिस इज द पॉइंट थ्रू विच रेडियस ऑफ स्फीयर इज पासिंग आउट, और वी कैन से दैट इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर यहाँ पे, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, इधर 10 सेंटीमीटर है, सो जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका पोल होता है, राइट। नेक्स्ट वन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या, सिंपली द रेडियस ऑफ द मिरर और स्फीयर
विच इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो जिस स्फेयर से हमने स्फेरिकल मिरर को काट के निकाला है उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वो क्या होता है, यहां से आपका पोल से लेकर के सेंटर तक क्या होता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, दिस इज सिंपली द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास होगा लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर. अपर्चर क्या होता है, दिस इज द अपर्चर. आप कितनी बड़ी स्पेयर है, कितना बड़ा पोर्शन अपने स्पेरिकल स्पेयर से आपने काट के निकाला, दिस इज द अपर्चर. एक और पॉइंट है यहाँ पे, विच इज द फोकस. विच इज द फोकस, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं व्हाट इज फोकस. सो फोकस क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ दिस द स्पेयर. और वहां से हमने क्या ले लिया, एक स्पेरिकल मिरर काट के निकाल लिया, दिस इज द स्पेरिकल मिरर ले लीजिए आप. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल एंड दिस इज द रेडियस. दिस इज द रेडियस ऑफ और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, राइट. अब रेडियस और पोल के जो मीट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दिस इज द फोकस. फोकस इज द मीट पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड द पोल. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर and the focal length. Focal length, that is the length of the focus from the pole. So focal length kya hota, what is the relation between focal length and the radius curve? Focal length is r upon 2, that is the focus ka length. Focal length jo hoga wo kya hoga, radius ka aadha hota hai. Focal length is radius upon 2. So radius ka aadha kya hota hai, focal length hota hai. सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक. आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. और आपको एक नई बात बताता हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों के लिए MCQ, SSR रीजनिंग, फिलिंग द ब्लैंक, जितने भी टर्म वन के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, मस्ट प्रोबेबल MCQ क्वेश्चंस. सो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जितना हो सके शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बेनिफिट लेने दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी चाहिए.